हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है। अगर है तो कौन सी अकाउंट में लिंक है, तो पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक चैनल को ना सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है UIDAI। तो ये मैंने सर्च किया था तो इसीलिए सबसे ऊपर आ रहा है, इसीलिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप लिख के आपको लिख देना है UIDAI, तो सबसे फर्स्ट पर जो वेबसाइट आएगी आपको इस वाली पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज का सेलेक्ट मांगेगा, तो आप जो जिस किसी लैंग्वेज आप आती है आप उस वाली पर क्लिक कर देना। मैं तो इंग्लिश यूज़ करता हूँ, मैं इंग्लिश वाली पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से क्रॉस कर देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे लास्ट में आना है और यहाँ पर आ रहा है जरा माई आधार, आपको उस वाली पर आ जाना है। तो ये मैं माई आधार पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के और जो कैप्चा डाल के और OTP डाल के हमें लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आगे बताता हूँ क्या करना है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा लॉगिन करने के बाद, तो उसमें आपको देखिए नीचे आ रहा है बैंक सेटिंग स्टेटस, तो आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मेरा आधार कार्ड नंबर दिखा रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक है, आधार कार्ड नंबर जो मेरा लिंक है जो मैंने दिखा रहा है एक्टिवेट, तो मतलब मैंने लिंक करवाया था और लिंक की डेट आ रही है लिंक अपडेट डेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट अपडेट डेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ 25/6/2018, तो मैंने तब अपडेट करवाया था तभी दिखा रहा है ये। तो ऐसे ही आप अपना चेक कर सकते हैं अभी आपका लिंक है कि नहीं। अगर यहाँ पे नॉट फाउंड या कुछ भी आ जाए तो आपका लिंक नहीं है, वरना आपको दिखा देगा कि कौन सी बैंक में लिंक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।